example, aapki age mein, in a student life, sabse zyada stress ka jo point hota hai, wo hota hai marks. Puri ki puri student race marks ke liye pareshan rehti hai. Aur sara competition ek dusre se marks ka hai. Usko jyada marks mil gaye, mujhe agle baar isse zyada lane. Ya mujhe kam mil gaye, to mujhe aur mehnat karni hai. Aur agar apne expectation se bhi kam mil gaye, to bahut frustration ho raha hai. Aur main aapko bataun कि अगर ये मार्क्स की रेस भी एक इल्यूजन है, जो मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशन से कम मिलके आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, वो भी बड़ा शॉर्ट लिव्ड है. क्योंकि मेरे अपने इतने 27-28 साल के लॉयर्स प्रोफेशन के करियर में आज तक किसी जज ने ये नहीं पूछा, जब मैं आर्ग्यू कर रहा हूं कोई मैटर के, ठहर जाओ वकील साहब, मार्क्स कितने मिले थे वो तो बताओ. किसी ने नहीं पूछा. एलएलबी में कौन सी डिवीजन आई थी बताओ, किसी ने नहीं पूछा. एलएलएम किया था क्या, नहीं पूछा. और जब मैं स्टूडेंट था तो यूं ही खुश हो रहा था, अरे मैं तो टॉप कर लिया, मैंने बड़ा सीना फैला के घूम रहा था. अपने उन दोस्तों को जिनके कम मार्क्स आए थे, उनकी तरफ गर्व की निगाह से देख रहा, देखा मुझे ज्यादा मिल गए, तुमको नहीं मिले. एंड सम ऑफ दोज फ्रेंड्स आर मोर सक्सेसफुल देन मी. क्योंकि एक्चुअल लाइफ में ये मार्क्स की रेस ऐसी ही है जैसे एक आदमी अपने गुरुजी के पास बार बार जाकर पूछता था कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं, मेरी परेशानी कैसे दूर होगी. किसी ना किसी ग्राउंड पे वो परेशान रहता था. कभी कोई परेशानी है, कभी कोई तकलीफ है, कभी कोई दुख है. आज मार्क्स कम आ गए, कल मेरा लैपटॉप खराब हो गया, परसों मेरे रूम का फैन नहीं ठीक से चल रहा है, नर्सों लग रहा है मैं लेट हो जा रहा हूँ, ट्रेन लेट हो गई, मैं पहुँच नहीं पाया टाइम पर, डांट पड़, रोज कुछ ना कुछ परेशानी. गुरुजी ने एक दिन उसको बुलाकर कहा कि एक काम करो, थोड़ा सा नमक लाओ. वो नमक ले आया. गुरुजी ने आधे गिलास पानी में उससे कहा ये नमक घोल दो और पी जाओ. जब उस शिष्य ने वो आधे गिलास पानी में दो चम्मच नमक घोल के पिया तो गुरुजी की तरफ देखकर बोला, ओह हो, ये तो बहुत ही बेटर है. गुरुजी ने कहा, कैसा लग रहा है? बहुत गंदा लग रहा है. अच्छा, अब उतनी ही क्वांटिटी का नमक लो और चलो और एक झील के पास जाकर उससे कहा इस झील में मिला दो. शिष्य ने उतना ही दो चम्मच नमक झील में मिला दिया. फिर गुरु ने कहा कि अच्छा, अब इस झील के पानी को आधे ग्लास में भरो और पी जाओ. वो पी गया. गुरु ने कहा, कैसा लग रहा है? पानी जैसा लग रहा है. क्यों, नमक नहीं लग रहा? नहीं. तब गुरु ने उससे कहा कि देखो, अपने मानसिक दायरे को जितना संकुचित रखोगे, जितना छोटा रखोगे, उतना कष्ट बढ़ेगा. The more you broaden your perspective, your mindset, your thinking process, the more you would be at peace with yourself. A lot of calm. आपको कोई frustration नहीं हो रहा क्योंकि इतनी बड़ी झील में दो चम्मच नमक का कोई असर ही नहीं है. लेकिन आधे ग्लास में वो दो चम्मच का नमक हालत खराब कर दे. प्रॉब्लम ये होती है कि हम जिस एज में हैं, हम इतने नैरो हो जाते हैं अपने प्रिज्म में. हम सब कुछ इतने नैरो प्रिज्म से देखते हैं कि बस ये जो मैं कर रहा हूं ये वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है.
और अगर इसमें मैं फेल हो गया तो सब कुछ खत्म। जबकि अगर मैं आपको हिस्ट्री के दो तीन उदाहरण दूं, आपने शायद पढ़ा होगा स्कूल में कि सम्राट अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण कर दिया था और पूरे कलिंग को तहस नहस कर दिया, सारी पॉपुलेशन को ऑलमोस्ट 80% 70% पॉपुलेशन को कत्लेआम कर दिया। ये इंफॉर्मेशन देने के बाद मैं आपसे पूछूं, आपको कुछ कष्ट हो रहा है? आर यू डिस्टर्ब्ड? नहीं, क्या डिस्टर्ब, हिस्ट्री की बात है। बिकॉज यू आर नॉट रिलेटिंग योर सेल्फ टू दैट, आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा। जबकि लाखों की तादाद में लोगों को मार डाला गया, कत्लेआम हो गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपका इतना ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो चुका है, इतिहास की घटनाएं हुआ होगा। और थोड़ा नजदीक लाके मैं आपसे कहूं कि जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में सैकड़ों लोगों को पॉइंट ब्लैंक की रेंज से गोली मार दी। आर यू डिस्टर्ब्ड? नहीं नहीं, इट्स अ गुड टूरिस्ट पॉइंट, मैं गया हूं, आपको वही पर्सपेक्टिव दिख रहा है। जालियांवाला जाके आया मैं, एकदम अच्छा है, उधर गोली का निशान भी है। आपके लिए वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया, वहां कई लोग मर गए, आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो रहा है ना। यू आर नॉट इनटू इन्वॉल्व्ड इन दैट प्रिज्म, लेकिन आपको इतनी बड़े बड़े घटनाक्रम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, पर दो मार्क्स कम आ गए तो आप ऊपर नीचे, क्या फायदा है? आप, मैं तो सोच रहा हूं छोड़ दूं, कॉमर्स ही ज्वाइन कर लूं। ये दृष्टिकोण को थोड़ा ब्रॉड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मार्क्स दो कम आए या दो ज्यादा आए। एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप परफॉर्म करने के लिए खड़े होंगे तो उस मोमेंट पे आपकी स्किल, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी परफॉर्मेंस काउंट करेगी, ना कि आपके मार्क्स। सपोज इफ यू टुमारो बिकेम अ डैम इंजीनियर, कोई बहुत बड़े डैम का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जिसमें से लीकेज हो रहा है, एंड यू आर अ सिविल इंजीनियर, उस डैम के लीकेज को स्टॉप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप एक बात बताइए, उस डैम के लीकेज को अगर आप स्टॉप कर पाएंगे अपनी स्किल से, अपनी परफॉर्मेंस से, तो आपकी तारीफ होगी, कि वहां जाके आप अपनी मार्कशीट चिपका देंगे तो आपकी तारीफ होगी? हाँ, लीकेज तो है मगर देखो मैं टॉपर हूं। अरे, हु विल केयर आपके कितने मार्क्स थे, आप टॉपर थे? नोबडी विल इवन वॉच फॉर योर मार्कशीट, एक्चुअली योर परफॉर्मेंस विल काउंट। इफ यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इस कमरे में एयर कंडीशन काम करना बंद कर दे, बहुत सफोकेशन हो जाए, और आपको कोई बुला के कहे कि भैया जरा एसी देखो, आपने जाके मार्कशीट चिपका दी, ये देखो मैं टॉपर हूं। अरे, सफोकेशन से आदमी मर रहा है, आपके मार्क्स का क्या करेगा? सो ट्राई डेवलप योर स्किल, डोंट टेक टू मच स्ट्रेस अबाउट योर मार्क्स। In actual practical life, it does not count. What counts is finally your skill, your performance, and the way you look things. I have read that Albert Einstein was a failure in all his schooling. And with so many toppers in different Institutes of India, we are yet to produce another Einstein. So my second guru mantra to you is, apply yourself to develop your skill. Become little innovative. And when I say innovative, it's not science innovations only. Innovation in thought process. Start looking things from a different angle.
In the field of law, there are set laws, sections, statutes. But do you know who are the best hailed lawyers? Those who innovate an interpretation out of those set principles. When they bring that innovation to the court and convince a judge that, my lord, the interpretation, the right, correct value of this provision of law is this, they are hailed. So, instead of becoming a prototype, become little innovative. और अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप परेशान हैं, तो ऐसा नहीं है। इस संसार में आप जिधर नजर घुमाएंगे, हर आदमी परेशान है। कोई ना कोई परेशानी उसको घेरे ही हुए है। कोई हरा धनिया के सिलेक्शन के लिए परेशान है, कोई अपनी परफॉर्मेंस को लेकर परेशान है, कोई अपनी ब्यूटी को लेकर परेशान, कुछ ना कुछ परेशानी है। एक बार एक साधु, और अच्छा एक और चीज बताऊं, एक और एक बड़ी कमाल की ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप हमेशा भविष्य के सपने देखते हैं। एंड व्हेन आई एम सेइंग आप, मतलब आई एम आल्सो इंक्लूडेड इन इट, एवरीबॉडी, इट्स अ ह्यूमन एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सल ह्यूमन साइकोलॉजी। आप सब ये स्वप्न देख रहे होंगे कि बस 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, और जैसे ही मैं इंजीनियर बनूंगा ना, ये सारा जो कोर्स की बुक्स है इनको तो आग लगा दूंगा, तंग कर डाला है मैंने। ये जितने प्रोफेसर्स टीचर्स जो आज तक डोमिनेट करते हैं, इनकी तो शक्ल नहीं देखूंगा दोबारा, और अच्छी जॉब लगेगी, बढ़िया कमाऊंगा, मौज करूंगा। आपके इस पूरे भविष्य के सपने में हरा धनिया नहीं आ रहा ना आपको, वो आने वाला है। आप कितनी भी बढ़िया सपने देख लीजिए, कोई ना कोई आपके लाइफ में आने वाला, बताने वाला, पीले पत्ते का हरा धनिया। अकल है कि नहीं कुछ, इतने बड़े इंजीनियर बन के घूम रहे। तो मैं आप इंजीनियर्स को ये बताना चाहता हूँ कि भैया आप सब पढ़ाई के बीच में जाके हरा धनिया जरूर खरीदिए, और सिलेक्शन करके देखिए कि पीले पत्ते का ना हो, क्योंकि ये जीवन में एक्चुअल लाइफ में इंस्टेंसेस आने वाले हैं। आप अपने आप को कितना भी बड़ा कुछ भी समझ लीजिए, ये एक लाइटर तरीके से बताने का मतलब यह है कि जब आप सोचते हैं कि जब यह सब हो जाएगा तब मैं यह करूंगा, यह अपने आप में एक डिफेक्टिव थॉट प्रोसेस है। ऐसा कभी होने वाला नहीं है आपके लाइफ में, आप चाहे कितने भी सपने देख लीजिए। एक साधु था, वो नदी के किनारे बैठा हुआ था, तो वहां से एक आदमी निकला, तो उसने देखा ये बड़ी देर से बैठा है, ये 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा ये तो हट ही नहीं रहा। तो उसने कहा, महाराज कोई परेशानी है? मैं देख रहा हूँ आप इतनी देर से बैठे हैं और नदी के पानी को देखे जा रहे हैं। तो वो साधु बोला, हाँ बेटा वो एक्चुअली नदी पार करनी है मुझको। तो बोला, नदी पार करनी है तो नाव वगैरह देखिए, या आगे ब्रिज है? नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ ये पानी खत्म हो जाए, बह जाए पूरा, तो मैं क्रॉस कर लूँ। वो आदमी बोला, यार आपको किसने साधु बनाया है? अकल है कि आपको कुछ, पूरा पानी बह जाए ऐसा होगा क्या आपके लाइफ में?